एच शाम को जो है ऊपर चढ़ाया हुआ है, क्योंकि स्टोर में कपड़े रखे हुए हैं सर्दियों के भी, और जो कि अजान की, जो अजान जब पैदा हुआ था ना, अजान की रलियां वगैरह जो थी ना वो भी रखी हुई थी, सारा भी गंठड़ निकाल लिए है। अब इनमें से छांटी करते हैं कपड़ों की, तो जो फिर निकलते हैं ना तो फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि न्यू बेबी की जो तैयारियां है ना वो तो स्टार्ट करनी है, और सर्दियों के कपड़े जो है वो भी निकालने। तो निकालती हूँ मैं अजान की रलियां और फिर मैं वो भी दिखाती हूँ। अब एहतमाम जो है वो उतरने लगे हैं यहाँ से, ख्याल से उतरिएगा। बाय अभी सब आए हुए हैं हमारे घर पे, और भावलपुर से मेरे कज़न जो है, ये कज़न आए हुए हैं, और मेरी आंटी नानी अब्बू अम्मी भी आए हुए हैं। और अम्मी के जो है हाथ पे लगी, पूछ रहे थे, काफ़ी कमेंट आए थे कि आपके सासू अम्मी के या आपकी अम्मी के, तो मेरी अम्मी की जो है उंगली पे लगी है। और एहतमाम जो है यहाँ बैठे हुए हैं, आयत नूर भी साथ में आई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, और अपनी जमान में रखे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एहतिशाम स्टोर जो कि ऊपर लगी बनी हुई है ना, उसमें से सर्दियों के कपड़े वगैरह जो है वो निकाले, और अभी मैंने इनके छांटे वगैरह किए है। अजान के कपड़े तो सारे के सारे छोटे हो रहे हैं सर्दियों वाले, कुछ एक आध सूट है जो कि वो पहन सकता है, और बाकी जो है ना ये धुलेंगे सारे कपड़े, क्योंकि इसमें जो हो रही है ना वो बारिश वाली जो स्मेल, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि इसमें बारिश वाली स्मेल हो रही है ना, ये कपड़े 2 से 3 दिन तो धुलते ही रहेंगे मशीन में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है। ये शाहीन अम्मी ने जो सूट भिजवाया था ना अजान का, ये वाला शायद इसको आ जाए अजान को, तो बाकी तो इसके अजान के छोटे कपड़े हो रहे हैं बहुत, तो ये टेंशन अलग लग गई है। और मैं ढूंढ रही हूँ जो कि न्यू बेबी के लिए अजान की जो रलियाँ, जब अजान छोटा था ना तो उसके नीचे जो रलियाँ बिछाई जाती थी, जो ओढ़ाई जाती थी, वो ढूंढ रही हूँ, वो मिल नहीं रही। अब उस स्टोर में जाएंगे तो शाम उधर से जो है वो गट्ठर जो भी होंगे वो फेंकेंगे, तो मैं उसमें से भी छांटी करती हूँ। आज तो बस यही काम है जो कि मुझे लाजमी करना है, ताकि तैयारी वगैरह जो है अपनी कंप्लीट करके जो है वो रख दूँ, परेशानी बाद में ना हो। तो अभी चलते हैं उसी स्टोर की तरफ जो कि शाम को फिर उधर से फिर कपड़े निकलवाते हैं। ये देख सकते हैं इतना सारा जो ये धुलने वाला लंडा बाजार जो है निकला हुआ है, इनको सबको धोना भी है। जिस चीज़ को जो है ढूंढ रहे थे फाइनल जो है वो मिल गया है, और सुबह से जो है ना यही मैं चीज़ ढूंढ रही थी। ये देखें जी, ये है अजान की रलियां, और अब अजान का बहन या भाई जो भी होगा तो ये उसके इस्तेमाल में आ जाएंगी, इसलिए जो है ना मैं इनको ढूंढ रही थी, ताकि जो है तैयारी कंप्लीट करके रखूँ मैं, और आपको बता भी देती हूँ, क्योंकि डेट डॉक्टर से जो है मिल गई, हमने कल चेकअप करवाया था तो उन्होंने डेट बता दी है, लेकिन बहुत जल्दी की, इतना हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी भी होगा, लेकिन हमें थोड़ा ये था कि आगे शायद होगी, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन डॉक्टर ने बहुत जल्दी की डेट दे दी, तो इसलिए जो है मैं सुबह से जो है यही काम करने में लगी हुई हूँ। और ये देखें जी, ये मेरी अम्मी ने बनाई थी, तो ये आपने ज़रूर बताना कैसी है, कैसे गुलाब के फूल बने हुए हैं, और वो टुकड़ियों वाली रली ये, और ये इस तरह से मेरी अम्मी ने जो है अजान को दिए थे गिफ्ट में, और अजान का तौलिया भी जो है ये भी उधर ही रखा हुआ था उसके साथ। ये देखें जी, ये तौलिया भी अजान का ही है, और एक ये शादी है, और ये है, ये देखें जी, तो ये न्यू बेबी के लिए जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं हमारी इंशाल्लाह। बस आप सबने दुआ करनी है कि खैर आफिया से जो है इस दुनिया में आए, और अभी जो है सर्दियों के कंप्लीट कपड़े जो है ना ये धोने, पूरे धोने वाले, तो मशीन अभी कुछ लगा लेते हैं, कुछ कल कुछ परसों, इस तरह से जो है ना आस्ते आस्ते धुल जाएंगे। इसमें भी जो है बारिश बारिश की जैसे पानी की स्मेल है ना, इसमें भी इनको भी धो के फिर दोबारा रखूंगी मैं। अजान के छोटे छोटे से कपड़े देखें जी, कितने छोटे छोटे, माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और इससे भी छोटे छोटे जो है निकले हैं वो मैंने,
अभी जो है ना एक तरफ किए हैं वो। मैंने कहा कुछ जो है ना ये भी आपको दिखा दूँ, ये देखें अजान के छठे छठे से। और ये जो रलियाँ है ना मेरी अम्मी ने जो बनाई थी, उसके साथ में जो है ये तकिए भी हैं, ये देखें जो मेरे जहेज किए। एक कमेंट आया हुआ था जो कि मैंने कल मैंने कहा भी था कि आप मेरी इंस्टा पे रब्ता कर सकते हो, मैं अपनी जहेज की में से निकाल के दे दूंगी। तो मेरी जहेज की रलियों में से जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। और ये देखें जी ये बनी है, मैंने वैसे पहले दिखाई है आपको, ये मेरी जहेज की रलियाँ, अम्मी ने एप्पल का काम किया हुआ इस पर। ये तो अब रलियाँ ये नहीं उसकी दिखाई, नहीं दिखाई, चारपाई की दिखाई है, मैंने ये नहीं दिखाई, नहीं दिखाई। नहीं। चलें इसको खोल के दिखा देती हूँ मैं। ये देखें पेटी भी खोली हुई है ना, तो इसमें से बिस्तरे निकाल रहे हैं, लेकिन ये तो अभी काम के नहीं है, ये तो सर्दियों के गर्मियों के हैं ये। और ये भी मेरी अम्मी ने बनाए हैं, ये भी जहेज में दिए हुए हैं सारा। इधर भी खाली क्वेश्चन, तकरीबन 6 क्वेश्चन बनाए हैं। जी अच्छे हैं ये रलियाँ हैं इसके साथ में, इसका तकिए भी हैं। कपड़े बस सर्दियों के निकाल रहे हैं इसके जो है ना, और भी तकिए के कवर हैं इस तरह से। ये उससे देखो बड़ी काम है ये। ये उससे बारीक है, ये पूरी बेड की है, ये बेडशीट बेड पे लगा सकते हैं इसको। ये खाला ने अपने हाथों से बनाई हुई है सारी ये फुल, इस पे बड़ी काम किया हुआ है। बिल्कुल बारीक काम है, बहुत मेहनत की है हम इन्हें इस पे। आज वैसे पेटी खोली हुई थी, आपको दिखा रहे हैं। जी ये देखें, और ये भी इसके साथ के जो है ना मिनरलियों के साथ ये तकिए के कवर भी बनाए हुए हैं इस तरह। तो अब्बू जी जो है हमारे घर पर आ गए थे लेने के लिए हमें, तो फिर हम आए, खाना खाया है दरिया आकर दोपहर का। अब्बू ने कहा चलें साथ में बैठ के जो है खाना खाते हैं, और फिर अब्बू के जाने का जो है टाइम हो गया है, क्योंकि अब्बू आज हैदराबाद जा रहे हैं, बैग भी निकल गई है, खाना वगैरह खा लिए। तो अभी जो है शाम तो नहीं बल्कि असद भाई जाएंगे छोड़ने के लिए, और अजान को लेने के लिए शाम जाएंगे। फिर वहां से जब वो अजान को लेकर आएंगे फिर हम घर को जाएंगे। और आयत नूर जो है ना फ्रेश हो रही है, और ठंड है, शाम का टाइम होने वाला, और अभी ये नहाने लगी है, और नज़ला ऐसा कोई जबरदस्त हो रहा है, और हंस रही है ऊपर से, हाँ गंदी बच्ची। तो अबू जो है हमें लेकर आए थे, तो इस वजह से फिर हमें आना पड़ा, फिर हम आ गए। असद भाई जो है अब्बू को पैसे निकाल कर दे रहे हैं, क्योंकि अब्बू के जाने की जो है तैयारी हो गई है कंप्लीट। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तो अब्बू जी जो है आज जाने की फाइनल तैयारी हो गई है अब्बू की। और आयत आयत क्या खा रही हो? मैगी। देखो ये नहाई, और अभी इतनी कोई ठंड हो रही है ना, तो ये नहाई सर्दी लग रही है अभी इसको, गंदी बच्ची को मैगी खा रही है। तो अल्लाह पाक रोजी रिजक में बरकत दे मेरे भाई की, और इसी तरह से जो है ना करते जाएं, क्योंकि बहुत ख्याल रखते हैं हमारा भी और अब्बू अम्मी का भी बहुत और ज्यादा। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आप सबको मैं बोल रहा हूँ, अगर नमाज आपने नमाज टाइम नहीं करी तो मैं नहीं आऊंगा आपके पास। अब्बू के माशाल्लाह से ये है कि नमाज के पाबंद, अब्बू कहते हैं कि नमाज टाइम पे नमाज घर में रहो जो है और अल्लाह को राजी करो, पांचों वक्त की नमाज हो, और बच्चे बच्चे जो है वो भी ये नमाज अदा समझो कि करें। मैं, मेरा दिल जब खुश होगा जब आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, जब अल्लाह राजी होगा तो जनाब सब कुछ राजी, मैं भी राजी हूँ, अल्लाह भी राजी है। बेशक बेशक और इसमें कोई नमाज शक नहीं टाइम, और है। अगर आप में से जिसने भी नमाज नहीं पढ़ी तो मुझे फोन भी नहीं करना। आयत नूर पूछ रही है कि अबू कहाँ जा रहे हो? अबू हैदराबाद जा मैं रहे हैं, हैदराबाद जा रहा हूँ, आप जा रही हो बेटा? अबू हैदराबाद जा रहे हैं, हाँ नहीं जाए। अबू कह रहे हैं आयत नूर भी नमाज अभी पढ़े। अभी नमाज पढ़ती हो अभी आप? तेरी अम्मी आएगी ना तो उसके साथ आपने आना है। आएगी ना, आयत नूर जब भी आएगी अबू ना? जाते हैं ना तो परेशान होती है, रोती है, अबू अभी नहीं ठीक है तो जाना। मुझे छोड़ने चलना था। अच्छा दवाई लेकर आ जाएंगे, अब नहीं जा रहा ना इंजेक्शन बेटा, लगा कर आ नहीं जा जाएंगे। रहा, दवाई लेने जा रहा हूँ ना बेटा। अच्छा नहीं जा रहे, नहीं जा नहीं रहे, जा रहे अब, नहीं मैं जा रहे, दवाई लेके आ जाऊंगा मेरा बेटा, दवाई लेके मुझे मेरा। अच्छा नहीं जा रहे, नहीं जा नहीं रहा, जा रहे, नहीं नहीं जा जा रहे, रहा मेरा बेटा, नहीं जा नहीं रहा। बड़ा जाएंगे। खा रहे थे उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो यहाँ पर जो भाभी ने चाय बनाई है इस पे,
ये तो बहुत ही मजे का और जबरदस्त जो है ना ये वो है थरमास है। तो घर हम पहुंच गए और मैं इतनी कोई थक गई, थोड़े से इतना सा सफर है हालांकि, बस थकन हो गई और मुझे जो है ना अंदर तक जाया भी नहीं गया, यहीं पे बैठ गई। और जुकाम का कोई इतना जोर है, मुझे जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप सबने मेरे लिए बस दुआ करनी है, इंशाल्लाह जो है फिर अच्छी सी कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आज अब्बू जी चले गए हैं, घर भी उदास करके चले गए। तो ये कि परदेश में काम करने वाले जो है प्यारे बहन भाई जो कि मेरे वालिद की उम्र के हैं सब, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, ताकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और उनके समेत मेरे अब्बू को भी, हाँ आमीन सुम आमीन। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।